जी हाँ, कार पर चैंपियंस ओलंपियंस घर वापस परत चुके ने। अज दिल्ली एयरपोर्ट से उन्होंने भरवां स्वागत होया। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक्स के जेतू खिडारियों का दिल्ली के अज खास तौर पर सन्मान किया गया। खेड मंत्री अनुराग ठाकुर और होर मंत्रियों ने खिडारियों का उचे उचे तौर पर सन्मान किया। गोल्ड मैडल जेतू नीरज चोपड़ा ने कहा कि यह मैडल मेरा नहीं पूरे देश का है। सन्मान समागम तो पहला दिल्ली के अशोका होटल च जेतू खिडारियों ने केक भी कटिया। चौथे नंबर से रहने वाली महिला हॉकी टीम ने भी इतने आके केक कटिया। अनुराग ठाकुर ने सारे खिडारियों का विशेष सन्मान किया। इस ही नीरज चोपड़ा ने यह मैडल पूरे देश को समर्पित करदे कहा कि यह मेरा मैडल नहीं पूरे देश का मैडल है। उचेचे तौर पर अज सन्मान समागम रखा गया सी सारे ओलंपियंस का। जोड़े मैडल जेतू खिडारी ने उन्होंने विशेष सन्मान भी किया गया दिल्ली के अशोका होटल के। खास तस्वीर तुहाडे टीवी स्क्रीन से विखा रहे हैं। तुहानू स्टेज पर मौजूद रहे केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर और सबका खेड मंत्री किरण रिजिजू, सारे खिडारियों का इतने विशेष सन्मान किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स तो परतन मगरों अज दिल्ली के एयरपोर्ट से भी विशेष सन्मान किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से भी निघा स्वागत किया गया सारे खिडारियों का। सुरेंद्र कुमार, इफ आई कैन हैव हिम। तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, तमाम खिडारियों का विशेष सन्मान अज किया गया दिल्ली के अशोका होटल च। नीरज चोपड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। जी हाँ, नीरज चोपड़ा की खास तौर पर एक झलक वेखन के लिए भी एयरपोर्ट तो लैके होटेल तक तमाम लोगों के खास उत्साह वेखन मिले। तो दस दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस समागम के शामिल होए। अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू ने सम्मान किया ओलंपियंस का। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल, ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पर। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी भी हो जाती तो उसको भी देख लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफी हेल्प की। लास्ट जैसे लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बैंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DGSI से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए, आप अगर किसी भी चीज की आपको जरूरत है आप डायरेक्टली आप मांगिए, हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम, तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया, और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कंग्रेट कहना चाहूंगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी, मुझे लगता है इसके लिए सभी के लिए ताली बनती है यार, प्लीज़।